द कृषि चौपाल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको खेती की नई नई और तकनीक जानकारी मिल सके। वेस्ट डीकम्पोजर, किसानों की आय दुगनी करने का मार्ग। क्या आपको पता है वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने के अलावा फसलों में रोग व कीट नियंत्रण के लिए भी कर सकते हैं। जैव उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई में भी वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके छिड़काव करने से नीलगाय से भी फसल को बचा सकते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है, फसल की बढ़वार अच्छी होती है और बीजों का अंकुरण भी अच्छा होता है। यानी कि वेस्ट डीकम्पोजर एक ऐसा उत्पाद है जिसका उपयोग कर रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किए बिना आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वेस्ट डीकम्पोजर एक ऐसा उत्पाद है जिससे आप कम खर्च में अच्छा और जैविक फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वेस्ट डीकम्पोजर के बारे में डिटेल में बताएंगे। वेस्ट डीकम्पोजर को आप कैसे मंगवा सकते हैं और किस प्रकार इसका घोल तैयार किया जा सकता है, तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वेस्ट डीकम्पोजर क्या है और इसे किस प्रकार हम मंगवा सकते हैं। वेस्ट डीकम्पोजर एक जैविक उत्पाद है जिसे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के डॉक्टर कृष्ण चंद्र ने वर्ष 2004 में देसी गाय के गोबर से अलग किया और इसके बाद 11 वर्षों तक कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद इसे खेती में प्रयोग के लिए तैयार किया। यह बहुत ही सस्ता जैविक उत्पाद है। यह केवल 20 रुपए की बोतल में उपलब्ध है। यदि आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद से संपर्क करें, जो कि इस समय आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर फोन नंबर भी दिए गए हैं, आप इन नंबरों पर बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेस्ट डीकम्पोजर का घोल कैसे तैयार करें। जैसा कि हमने आपको बताया, वेस्ट डीकम्पोजर 20 रुपए की छोटी कांच की बोतल में आपको मिलेगा। अब सबसे पहले आपको वेस्ट डीकम्पोजर की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए एक ड्रम या टंकी में 200 लीटर पानी लेकर उसमें 2 किलो गुड़ अच्छी तरह मिलाएं। अब इस वेस्ट डीकम्पोजर की छोटी कांच की बोतल को खोलकर इसमें मौजूद सामग्री को किसी लकड़ी या तार की सहायता से निकालें और इस ड्रम या टंकी में डालकर लकड़ी से अच्छी तरह मिलाएं ताकि वेस्ट डीकम्पोजर अच्छी तरह घुल जाए। इसके बाद पेपर से इस ड्रम को ढककर 2 से 4 दिन के लिए रख दें और रोजाना 1-2 बार इसे हिला दें। 4-5 दिन बाद ड्रम में मौजूद इस घोल की ऊपरी सतह झागदार और यह मटमेला हो जाएगा। यानी कि अब यह घोल तैयार हो चुका है, इसे अब आप खेती में उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें, इस तैयार घोल से आप बार बार वेस्ट डीकम्पोजर बना सकते हैं। इसके लिए 20 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर घोल को 2 किलो गुड़ के साथ 200 लीटर पानी के ड्रम में मिला दें। इस प्रकार 7 दिनों में यह 200 लीटर घोल दोबारा से तैयार हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तैयार वेस्ट डीकम्पोजर के घोल का प्रयोग कर किस प्रकार आप कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं और फसलों में इसका प्रयोग कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वेस्ट डीकम्पोजर के अगले वीडियो को जरूर देखें। वेस्ट डीकम्पोजर के बारे में यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें व अपने साथी किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। खेती से जुड़ी नई नई और तकनीकी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द कृषि चौपाल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।